हेलो गाइस, मैं वो खाना खजाने से मैं आपके लिखे आई न्यू ब्लॉग। जैसे कि चाय का मसाला हम अक्सर रेडीमेड लाते हैं, लेकिन मैं घर पे बनाती हूँ। आप भी ये वीडियो जरूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी भी है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया और कुछ टेस्ट नहीं लग रहा है तो आप एक चम्मच डाल के फिर चाय बना के पीना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये सर्दी के लिए भी बहुत ही अच्छा टेस्टी मसाला है, उससे जुकाम सर्दी वो भी अच्छी हो जाती है। तो इसके अंदर हम गुलाब का फूल जो सूखे आते हैं पत्ती वो भी ऐड कर सकते हैं, और तुलसी के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अभी लिया दालचीनी 6-7 टुकड़ों में, बड़े बड़े थोड़े थोड़े मैंने कूट के छोटे छोटे टुकड़े किए। और फिर मैंने लिए इलायची, ये काली मिरी है जो थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि उससे जलन बढ़ती है। और ये मैंने सूट का पाउडर बोलते हैं, तो जो अदरक सूखी हुई आती है ना उसको मैंने कूट के रखा है, क्योंकि हम अक्खी नहीं डालेंगे। अक्खी डालेंगे तो जो मिक्सर की ब्लेड होती है वो टूट जाती है, उसको कूट के डालना है। और ये मैंने लिया है, और ये मैंने लिए है लविंग, और ये मैंने बीड़ी शीप बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, तो इसको शॉप भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसको सब साथ में हमको ये मसाला मिक्सर के जार में पेस्ट बनानी है। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं, ओनली फॉर सूखा मसाला ऐड करना है। और इसको स्टोर करके घर में रख सकते हैं आप भी, और हमेशा खाने के लिए भी बहुत अच्छा ही है, सेहत के लिए भी अच्छा है, और वैसे तो ये बहुत गुणकारी है। तो आप भी ये वीडियो जरूर ट्राई करना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको मिक्सर जार में पीसना है, उसको छानना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ओनली फॉर ये बना के हम डब्बे में भरेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी आगे का वीडियो। तो गाइस, आप देख सकते हो ऐसे पाउडर होनी चाहिए। अगर हम तुलसी के पत्ते या गुलाब के पत्ते डालना चाहते हैं तो पहले उसको सुखाना है, उसके बाद में ऐड करना है। और ऐसे पेस्ट बनानी है, उसको छानना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। और ये स्टोर करके भी रख सकते हो, तो वही कॉफ़ी के अंदर भी बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी बनती है, कॉफ़ी के अंदर भी यूज़ हो सकता है, चाय के अंदर भी यूज़ होता है। तो आप भी ये वीडियो ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा। और हमेशा मैं ऐसे ऐसे नए नए ब्लॉग लेके आती रहूँगी आपके लिए, और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।